हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं ठीक ठाक ही होंगे। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे ELP से रिलेटेड। मैंने प्रैक्टिस सेट का मैथ उठाया हुआ है, ELP टेक्नीशियन प्रैक्टिस CVT 1 का, जो कि आपके आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकते हैं। तो आप लोग बने रहिए वीडियो में और देखिएगा यूनिक कॉन्सेप्ट, कुछ अलग तरीका, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकते हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए, एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है। 6 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, तो उनकी वर्तमान आयु का योग क्या होगा? या तो आप इसको तरीके से बना सकते हैं या आप अलग कॉन्सेप्ट लगा कर बना सकते हैं। जैसे हम अलग तरीके से बनाते हैं, फिर बाद में तरीका ही भी बता देंगे जो पुराने वाले तरीके हैं। एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु के 4 गुनी है। मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसको हम उसका फादर मान रहे हैं और उसका बेटा है सन, जो कि इसके 4 गुने हैं। 4 गुने, अगर बेटा की उम्र 1 यूनिट है तो फादर की उम्र 4 यूनिट है। 6 वर्ष बाद की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी, यानी 6 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु 1 है तो उसके पिता की आयु 3 यूनिट है। तो 6 वर्ष बाद की बात कर रहा है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की गैप, इन दोनों की गैप समान होनी चाहिए, अभी समान नहीं है। जैसे यहाँ पर देखिए 4 और 3 का अंतर कितना 1 है, और यहाँ पर 1 का अंतर कितना है 0। इन दोनों की गैप को बराबर करना है, तो क्या करेंगे हम लोग देखिएगा, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा ताकि आसानी से आप बना सकते हैं। इनका गैप देखिए कितना है, 3 का गैप है, और इनका गैप कितना है, 2 का गैप है कि नहीं। तो इस गैप से ऊपर वाले को गुना कर दीजिए और इस गैप से नीचे वाले को गुना कर दीजिए, अब जाकर नया रेशियो बनकर आ जाएगा, यानी 4 × 2 = 8 और 2 × 1 = 2, 3 × 3 = 9। इस 3 से दोनों को गुना करना है और यहाँ पर 3, तो यहाँ पर आप देखिए गैप समान आया कि नहीं, 1 यहाँ भी गैप 1, इन्हीं 1 गैप का मान हमें 6 दिया हुआ है। तो हमसे पूछ रहा है उनकी वर्तमान आयु का योग क्या होगा। अभी इन दोनों रेशियो को लेकर नहीं चलना है, अभी ये रेशियो लेकर चलना है। ये वर्तमान उम्र की रेशियो है कि नहीं, और ये 6 वर्ष बाद की आयु का रेशियो है। तो हमें वर्तमान उम्र पूछ रही है कि वर्तमान उम्र की आयु का योग कितना होगा, तो अनुपात में कितना है 8 × 2 = 10, और 1 यूनिट का मान कितना है 6, तो 10 यूनिट का मान 10 × 6 = 60, तो आपका इसे 60 आंसर हो जाएगा। अगर आप तरीके से करना चाहते हैं कि आप बिल्कुल 0 लेवल के हैं, तो फिर आप तरीके से भी कर लीजिए। दोनों तरीके से कराने का हम कोशिश करते हैं, देखिए हो सकता है जो तरीका आपको समझ में आ जाए, लेकिन मेरे उम्मीद से यह तरीका बेटर था और जल्दी बन जाता, भले में बताने में टाइम लगा, लेकिन अगर कीजिएगा इस तरीके से तो टाइम नहीं लगेगा। कहता है एक व्यक्ति का आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है। मान लीजिए पिता की जो उम्र है यहाँ पर 4x है और पुत्र की आयु x है, इसी का तो 4 गुना है। 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद इसका उम्र क्या हो जाएगा, 4x + 6, ओके, और 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या हो जाएगा, x + 6। तो बोल रहा है पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, यानी ये पुत्र की आयु, ये पिता की आयु, तो इसका 3 गुनी हो जाएगा। तो यहाँ से करिए, देखिए x का मान निकल जाएगा, तो 4x + 6 और 3x + 18, इधर इसको लेते आइए, तो 4x में 3x चल जाएगा और इधर 18 में 6 चल जाएगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा x = 18 में 6 गया 12, ओके।
तो इन दोनों की आयु का योग, वर्तमान आयु का योग पूछ रहा है, तो 4x और एक एक एक्स 5x, वर्तमान उम्र की आयु का योग कितना है इस टर्म में 5x है। ऐसे अलग अलग भी निकाल सकते हैं, अगर यहाँ पे एक्सपोर्ट कर दीजिएगा तो बच्चों का 48, यानी यहाँ पे 48 आ जाएगा, यहाँ पर आपका 12 आ जाएगा, और इन दोनों का ऐड कर दीजिएगा 60 हो जाएगा। तो नहीं, अन्यथा हम इस अनुपात को ही जोड़ लें, इसी को जोड़ लें, तो 5x, तो 5x के जगह पे 12 पुट कर दीजिए तो ये 60 आ जाएगा। तो इस तरह से इसे आसानी से बना सकते हैं, ये भी कोई खास बड़ा नहीं है, लेकिन इससे बेटर वो था, उससे आसानी से आप कर सकते हैं। राम ने श्याम को 5,000 रुपये 12% वार्षिक ब्याज दर पर दिए। कुछ वर्ष समय बाद श्याम ने राम को 8,000 वापस कर दिया। तो कितने वर्षों के बाद राम को उसके पैसे वापस मिले, यानी टाइम पूछ रहा है। यहाँ पर साधारण ब्याज लगाया हुआ और कुछ नहीं निकालने का, तो हम ब्याज दर बराबर सूत्र लगा सकते हैं, यानी रेट परसेंट बराबर, लेकिन यहाँ पर अगर तरीके से भी कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका पी दिया है 5,000 और रेट दिया है 12% और अमाउंट दिया है आपका 8,000, यानी मिश्रधन। तो SI हमें कितनी होगी, इन दोनों का अंतर SI कितनी हो जाएगी, 3,000 है कि नहीं। तो अब लगा दीजिए SI बराबर फार्मूला P इंटू R इंटू T अपॉन 100। ये इजी क्वेश्चन है दोस्त, मैं पहले ही बता दूँ, ये इस क्वेश्चन में कोई जान ही नहीं है। P का मान कितना, 5,000, R का मान 12%, T हमें फाइंड करनी है, और x बटे x होती, यहाँ से ये कट गया और एक जीरो से एक जीरो ये भी कट गया, 30 से ये 60 बार, यानी 5 से ये 6 बार में कट गया, यानी 6 60, और यहाँ से कटाइएगा तो ये 5 बार में, यानी t बराबर 5 आ गया, यानी 5 वर्ष आ गया। ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, ये प्रश्न ठीक ठाक है, जो कि अधिकतर लोग गलती करते हैं इस तरह के प्रश्न। इसमें देखिए कितने सारे चीज़ें हैं, A1 है, A2 है, B1 है, B2 है, और इधर C1 है। ये 10th का प्रश्न है दोस्त, और ये प्रैक्टिस सेट में हमें मिला, तो इसलिए हमने सोचा कि ये आप लोगों को करा दें। यहाँ पर जो x के आगे हैं वो A1 होगा, और यहाँ पे जो x के आगे है वो A2 होगा 15, और जो यहाँ y के आगे है वह B1 होगा, और जो यहाँ पर y के आगे है वह B2 होगा, और जो इधर है वो आपका C होगा, जो यहाँ है वो आपका C2 होगा। तो हमें k का मान फाइंड करने बोला है, यानी k क्या होगी। तो ये संपाति होने के लिए आप लोगों को एक टर्म पता होनी चाहिए, A1 by A2, B1 by B2, C1 by C2, ये तीनों आपस में बराबर होनी चाहिए, तभी हम कहेंगे कि ये संपाति है। ओके, तो यहाँ पर देखिए, हम किसी भी या तो इस टर्म को और इस टर्म को बराबर कर दें, यानी इसको या इसको बराबर कर दें, या इसको या इसको बराबर कर दें, तो निकल जाएगा। तो हम यहीं से कर लेते हैं, B1 वाले से, B1 by B2, C1 by C2। ओके, यहाँ पर देखिए B1 का मान कितना, 7, B2 का मान 21, C1 का मान 3 और C2 का मान k। इसको हल कीजिए, 7 3 21 और 3 3 9, k बराबर 9 आपका फाइंड हो गया। तो यही आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट चलिए, ये प्रश्न देखिए, ये भी इजी है, सिर्फ कैलकुलेशन है, कुछ नहीं है। यहाँ पर क्या है, x/2 प्लस x/4 प्लस x/5 प्लस, यहाँ पर 10,000 है बराबर में x, तो x का मान पूछ रहा है, चलिए इसको फाइंड करते हैं। तो इसको आसान करने के लिए क्या करते हैं, x/2 प्लस x/4
प्लस एक्स बटे फाइव, और इस x को इधर लेता है, ये माइनस एक्स, और इस 10,000 को उधर लेते हैं, ये माइनस 10,000। ओके, अब यहाँ से कर लीजिए हल, एलसीएम 20 आ जाएगा आपका, ये 10x प्लस 4 5 यानी 5x प्लस 4x माइनस 20x बराबर माइनस 10,000। ओके, तो यहाँ से देखिए 10 5 15 4 19x, 19x माइनस 20x x आएगा यहाँ पर दोस्त, 20x अपॉन 20 बराबर माइनस इतना है कि नहीं, तो ये माइनस x बचेंगे ऊपर और नीचे 20, यहाँ पर माइनस 10 4, ये माइनस माइनस ख़त्म, तो x बराबर कितना 20 पर 4 0, यही आपका आंसर 20 पर 4 0। ओके, तो ये आसान ही था सिर्फ कैलकुलेशन। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बिना हीरोन फार्मूला लगाए आप नहीं कर सकते हैं, तो हीरोन फार्मूला लगाने के लिए आना चाहिए, इसके लिए हमें एस निकालनी होगी, क्योंकि हीरोन फार्मूला जो होता है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। हम दोस्त वो नहीं है कि जो एक ही सवाल को घुमा फिरा के ऐसे वैसे फिर बताएं, नहीं, डायरेक्ट मैं जो तरीका लगेगा सवाल में वही तरीका को बताऊंगा। तो क्योंकि यहाँ पे देखिए ट्रिपलेट भी नहीं लग रहा है, जो कि हम समकोण त्रिभुज मान सकते थे लेकिन है नहीं, तो इसलिए हम यहाँ पर डायरेक्ट एस वाला लगाएंगे। तो एस क्या होता है, अर्ध परिमाप होता है त्रिभुज का, अर्ध परिमाप, त्रिभुज का अर्ध परिमाप क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, यही तो होता है, ए मतलब पहला भुजा, बी मतलब दूसरी, सी मतलब तीसरा, तो 13 14 प्लस 15 अपॉन 2, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 27 प्लस 15 42 बटे 2 बराबर 21 आ गया एस का मान। तो अब यहाँ पर पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा हंसते खिलखिलाते हुए 21 इंटू 21, में ए घटाना है ए कितना 13, 21 में बी घटाना है बी कितना 14, 21 में सी घटाना है 15। ओके, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा आपका रूट अंडर 21 में 13 घटाएं तो आपका कितना बच जाएगा यहाँ पर 8, नहीं ना, गुना 21 में 14 घटाइएगा तो कितना बचेगा 7, 21 में 15 घटाइएगा तो 6। ओके, तो हमें तो यहाँ पर 7 या 21 यहाँ पर दिख रहा है, तो 21 को बाहर निकाल लें तो बच गया यहाँ पर क्या 2 और 8 16 4, ये निकल जाएगा बाहर, तो 21 चौके 84। अब कर लीजिएगा, देखिएगा आपको तो वर्गमूल निकालने तो आता ही होगा, 21 सेंटीमीटर स्क्वायर, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर राइट आंसर। नेक्स्ट ये देखिए, उन स्टूडेंट के लिए जो बिल्कुल भी मैथ में जीरो है वह सीख सकते हैं, और जो जानते हैं उनके लिए रिवाइजिंग हो जाएगा, रिवाइज कर सकते हैं। ये हमने प्रैक्टिस से ही प्रैक्टिस सेट एएलपी का प्रैक्टिस सेट से उठाया है ये सारे प्रश्न को, जो कि आप लोगों के लिए हो सकता है फायदेमंद। यदि 1 7 अंकीय संख्या है जो कितना है, जो 11 से विभाज्य है, पी किसके बराबर है, पी के बराबर यहाँ पर पूछ रहा है पी कितना होना चाहिए, यानी 5 4 p 3 9 8 7, इसको 11 से भाग करना है। 11 से भाग करने का एक रूल आप लोगों को पता होनी चाहिए कि अल्टरनेटिंग, यहाँ से लीजिए इसको इसको और इसको, सबको ऐड कीजिए कितना है 5 प्लस p 5 p, इधर से जोड़ते हैं 916, सो पी को रहने देते हैं 916 5 21 प्लस p। ओके, ये फिर इधर से जोड़ते जाइए, पेन चेंज कर देते, जो गैप हमने छोड़ा उस गैप को जोड़िए, तो 8 3 11 4 15 15, इन दोनों का अंतर या तो 0 आनी चाहिए या 11 आनी चाहिए या 22 आनी चाहिए,
तभी समझेंगे कि वह 11 से भाग लगेगा, 11 से भाग लगेगा। अगर पी का मान हम 5 रख दें तो 21 5 26, 26 में 15 जाएगा, क्या 0 आएगा? क्योंकि एक तो नहीं रख सकते, एक रखेंगे 22, 22 में 15 जाएगा 7, 0 नहीं आ रहा है। तो देखते हैं इसमें, तो 11 आ गया, तो इसका मतलब 5 ही सही है। 9 रख के देखिए, 11 9 21 9 30, 30 में 15 जाएगा 15। हमें चाहिए ये वाला गैप, अंतर जो आनी चाहिए या तो 0 आनी चाहिए या 11 आनी चाहिए या 22 आनी चाहिए, 21 नहीं 22 आनी चाहिए, यानी 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 11 आ गया, तो यही राइट आंसर है। ये 11 से भाग लगाने का रूल है कि कैसे हम भाग लगा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, एक साथ फेंके गए दो पासों पर कुल 7 आने की प्रायिकता क्या होगी? दो पासा फेंक रहे हैं, पहला पासा और दूसरा पासा। देखिए पहला, दोनों पासा एक साथ फेंके तो 7 आने की प्राय 7 आने की संभावना क्या आ सकती है कि एक में एक आ जाए और दूसरे में 6 आ जाए, तभी तो इन दोनों का योग 7 आएगा, कुल 7 आने की प्रायिकता हो। अगर इसमें 6 आ जाए इसमें एक जाए तब पर भी 7 आ सकते हैं, पहला पासा में 6 आ जाए दूसरी पासा में एक आ जाए तब पर भी 7 हो सकते हैं, या तो दूसरा पहला पासा में 5 आ जाए और दूसरा पासा में 5 आ जाए, यानी पहला पासा में 2 दूसरा पासा में 5 तब पर भी 7 आ सकते हैं, या पहला पासा में 5 और दूसरे पासा में 2 आ जाए तब पर भी 7 हो सकते हैं, या कंडीशन बन सकता है या पहला पासा में 3 आ जाए और दूसरा पासा में 4 तब पर भी 7 हो सकते हैं, या इनमें 4 आ जाए और इनमें 3 आ जाए तब पर भी 7 बन सकते हैं। और कोई टर्म है क्या जिससे 7 बने? नहीं, अब मेरी उम्मीद से नहीं है। तो टोटल कितने टर्म बने? 1 2 3 4 5 और 6, 6 टर्म बने। टोटल कितने होंगे दो पासे को फेंकने पर, टोटल कुल संभावना कितनी होगी? तो पासा है, अगर दो दो पासा फेंक रहे हैं तो 6 का स्क्वायर नीचे में 6 का स्क्वायर, अगर तीन पासा फेंकते हैं तो नीचे में 3 का 6 का क्यूब हो जाता, तो यहाँ पर 6 का स्क्वायर आएगा, तो 6/36। कटा पिटा के तो दिया नहीं है, डायरेक्ट आंसर दे दिया है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ये अच्छा प्रश्न है, इन सब प्रश्न में हमें पता है कि अधिकतर लोग फंसते हैं। 1 घंटे में 3/5 भाग में कितने मिनट होंगे? 1 घंटे के 3/5 भाग कितने मिनट? 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं दोस्त? 60 मिनट, उसका 3/5 भाग पूछ रहा है, 3/5, तो इसको 12 × 5 = 60 और 12 × 3 = 36, तो ये आपका राइट आंसर 36 हो जाएगा। होता है दोस्त, ये छोटी छोटी इजी इजी क्वेश्चन गलत हो जाता है एग्जाम में, क्योंकि दोस्त हमने भी एग्जाम कई बहुत सारे एग्जाम दिए हैं और उनमें से कई सारे एग्जाम निकाले भी हैं, जैसे ग्रुप डी आपका हो गया, एनटीपीसी, इन सब का एग्जाम मैंने निकाला हुआ है दोस्त। एनटीपीसी का तो दो दो तीन तीन एग्जाम निकाल चुके हैं, जैसे CVT 1 पहले हुआ था, फिर CVT 2 भी हमने क्वालिफाई किया था, तो मैंने इन सब का एग्जाम निकाला हुआ है, तो हमें पता है कि कौन सी क्वेश्चन कितना छोटा क्वेश्चन गलती हो सकता है। यहाँ पर देखिए, ABC ने क्रमशः 10,000, 15,000, 20,000 निवेश किए, एक वर्ष बाद प्रत्येक ने 5,000, ए बी में से प्रत्येक ने 5,000 अधिक निवेश किए जबकि सी ने 10,000 निकाल ली। चलिए मानते हैं ए है कोई बंदा, बी है कोई, सी, इसने हम 3 जीरो को के मान लेते हैं, यहाँ पर 3 जीरो को हम के मान लेते हैं, समझिएगा बात को, यानी इसने 10K लगाया, इसने 15K लगाया, इसने 20K लगाया, कौन फर्स्ट वर्ष में, पहला वर्ष में, फिर नेक्स्ट वर्ष में ए बी ने प्रत्येक ने 5,000 अधिक निवेश किया, यानी पहले 10 इसने किया था तो और 5 एक्स्ट्रा बढ़ा दिया तो 15K निवेश किया,
इसने भी 5K ज़्यादा लगाया, यानी 20K लगा दिया, यानी 20,000 लगा दिया। 80 ने 10,000 निकाल लिया, पहले 20 लगाया था, अब जो है इसने कितना लगा दिया, 10 निकाल लिया, तो 10 के ही लगाया के लगाया 3 वर्ष बाद, यानी ये जो लगाया 2 वर्ष के लिए, दोनों ने लगाया, इन सब ने दो दो वर्ष के लिए लगाया, ये दो दो ईयर के लिए लगाया, ये 1 ईयर का था, ये एक एक वर्ष के लिए लगाया था। ओके, तो अब इसको फाइंड कर लीजिए आप लोग, 10 गुना 1 कीजिएगा 10K, और इधर 15K, इधर 20K। सॉल्व करने का तरीका को समझ लीजिए, बाकी बाद सामने आएगा तो बना लीजिए। 30K, 20 दूनी 40K, और यहाँ पर 10 दूनी 20K। ओके, तो ये हो गया 3, ये टोटल मिला के 3 वर्ष का हो गया, टोटल मिलाकर 3 वर्ष का हो गया अनुपात। तो यहाँ पे इस सबको ऐड कीजिए, देखिए कितना होता है, 40K, ये 55K, और ये 40K। तो इस सबका अनुपात ही पूछ रहा है हमसे, ABC का अनुपात, लाभ का अनुपात, जिस अनुपात में लोग निवेश करेंगे उसी अनुपात में लाभ भी मिलता है दोस्त। अगर आप ज़्यादा लगाइएगा तो आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो यहाँ से K सबका ख़त्म कर दिए हमने, अगर 0 पुट करते हैं थोड़ा बड़ा बड़ा हो जाता है, के जगह यानी 3 0 के बदले में हमने के को लिखा है, इस बात को समझने का कोशिश कीजिएगा। ओके, तो यहाँ से अब कटने का, 5 से सब कट सकते हैं, 5 से 8 बार में, 5 से 11 बार में, और 5 से 8 बार में, तो 8:11:8 हो जाएंगे इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, हमारी थोड़ी PDF की क्वालिटी ख़राब हो चुकी है, इसलिए थोड़ा आप लोग को विजिबिलिटी कम पड़ता होगा, तो थोड़ा सा आज बार मैनेज कीजिएगा। आज मेरा ये 10 या 12 दिन के बाद हमने ये वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि हमारे गांव में महारुद्र यज्ञ हो रहा था, जो कि बहुत सारे लाउड साउंड चल रहा था, इसलिए मैं नहीं बना पा रहा था, लेकिन अब दोस्त कंटिन्यू रहेंगे। आप लोग सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, थोड़ा मनोबल बना रहेगा। हालांकि आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, और भी थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा तो थोड़ा अच्छा लगेगा। देखिए यहाँ पर क्या है, x = 1/1+√2 है, तो इतना का मान हमसे पूछ रहा है। ओके, तो हम x का मान थोड़ा आसान कर ले तो नहीं बेहतर होगा, x बराबर इतना है 1/1+√2, इसको हम सीधा करके लिख सकते हैं, 1/√2+1 लिखें, अभी भी कोई फर्क पड़ेगा कि ये दोनों बराबर ही हैं, तो रूट टू अभी भी प्लस में है, 1 अभी भी प्लस में है। तो अब इसका यहाँ पर हर परिमेयकरण कर देते हैं, तो √2-1, यानी हर परिमेयकरण करने का मतलब कि चिन्ह को चेंज करके ऊपर नीचे से गुना कर दीजिए, तो यहाँ √2+1 है, और नीचे में √2-1 से गुना कर दीजिए, यानी ऊपर नीचे दोनों साइड गुना कर देना, तो ऊपर क्या हो जाएंगे, √2-1 हो जाएंगे, और नीचे 2-1 हो जाएंगे। यहाँ पर a+b, यहाँ पर ये -b, इस फार्मूले को हमने पुट कर दिया यहाँ पर, ये तो 2-1, तो यहाँ पर क्या बन कर आएगा, √2-1। ये सिंपल सा x बराबर हमारा ये निकल कर आया √2-1, आसान हो गया थोड़ा सा, है कि नहीं। अब हमें एक्स स्क्वायर की मान चाहिए, एक्स स्क्वायर की, क्योंकि यहाँ पर हमें एक्स स्क्वायर की है कि नहीं, तो एक्स स्क्वायर करने का मतलब √2+-1 का स्क्वायर कर दीजिए, तो यहाँ पर ये -b का होल स्क्वायर तो लगा सकते हैं कि नहीं, तो ए स्क्वायर यानी 2+b² यानी 1-2ab √2 × 1 ये होना चाहिए, तो 2 × 1 = 10, और इसको गुना कीजिएगा तो 2√2, बस इसमें पुट कर दीजिए, आपका आसानी से आंसर निकल जाएगा। देखिए कैसे, तो x स्क्वायर का मान कितना हमने निकाला, सवाल को यहाँ उतार लेते हैं, आसान होगा आप लोग को समझने में, x² + 2x + 3। ओके, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का मान हमने कितना निकाला है, √3-2√2, और 2x 2
टू एक्स के जगह पे कितना पुट करना है दोस्त, रूट टू माइनस वन प्लस तीन तो है ही। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, तीन माइनस टू रूट टू, इस टू से ये दोनों में गुना होगा तो ये टू रूट टू बनेगा, यहाँ पर प्लस है दोस्त प्लस, माइनस टू प्लस थ्री, तो यहाँ पर ये दोनों तो कट जाएंगे एक प्लस में एक माइनस में, तीन तीन छः माइनस दो ये चार आपका निकल कर आंसर आ गया। तो अच्छा प्रश्न था। देखिए दोस्त, हमें सवाल की क्वालिटी वहाँ से पता चलती है जब हमने सेट मारते हैं, या तो हमने टेक्स्ट बुक से मारते हैं या हमने प्रैक्टिस सेट यानी ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट से मारते हैं। तो टेक्स्ट बुक से मारते हैं तो हमें पता चल जाता है कि इस टाइप के क्वेश्चन को कितने परसेंट लोग कर पाते हैं। इसलिए जो बताते हैं कि ये प्रश्न बहुत कम लोग कर पाते हैं, नहीं तो आप लोग में भी देखते होंगे कि बहुतों से नहीं बन पाता होगा। तो यहाँ पर देखिए, इतना बराबर वन दिया है तो इतना बराबर पूछ रहा है, तो इसको कुछ नहीं करना है, ये ए बी का मान निकाल लीजिए तो थोड़ा आसान हो जाता, अगर ये अनुपात में भी निकल जाता तो काम हो जाता। चलिए देखते हैं, इसको सीधा करिए, टू ए प्लस बी अपॉन ए प्लस फोर बी, यहाँ पर मान अगर सोच सकते हैं ए बी का तो और भी आसान हो सकता है, अगर नहीं सोच सकते हैं तो सीधा हल कर लीजिए। तो इसके नीचे वन दे सकते हैं, तेरा कोने गुना कर दीजिए, टू ए प्लस बी बराबर ए प्लस फोर बी। ओके, तो ए को एक साइड लेते हैं ये टू ए माइनस ए, बी को एक साइड लेते हैं ये फोर बी माइनस बी, तो यहाँ पर ए बराबर थ्री बी, तो हम कह सकते हैं ए बटे बी बराबर तीन बटे एक। अनुपात में ए का मान वन है और बी का मान, ए का मान थ्री है और बी का मान इतना है, तो आप मान इसमें पुट कर दीजिए, इसको के भी मान सकते हैं थ्री के और वन के। ओके, नहीं भी मानिएगा तो आंसर आएगा ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। ओके, तो यहाँ पर देखिए, ए को हमने कितना माना थ्री के, प्लस बी को कितना माना वन के, सिर्फ के भी लिखेंगे तो चलेगा, ए को हमने माना है थ्री के, बी को माना है के, तो यहाँ पर देखिए थ्री के में एक के और जुड़ जाएगा तो चार के, टू के में एक के घट जाएगा तो कितना टू के, थ्री के में एक के घट जाएगा तो टू के से के ख़त्म, दो दूनी चार, दो बार में ये आंसर आपका दो आ गया। देखिए दोस्त, रियल में बताते हैं अगर हमारे साथ आप बने रहते हैं कुछ दिनों तक, ज़्यादा दिन नहीं 10 दिन बोलते हैं हमारे साथ आप बने रहिए, और हमारे 10 वीडियो को अगर कंटिन्यू आप देख लीजिएगा तो आपका मैथ में, अगर आपका मैथ कमज़ोर है तो ज़रूर इम्प्रूव होगा, ये मेरा गारंटी है। एक सम चतुर्भुज का परिमाप इतना है और इसका विकर्ण इतना है, तो दूसरा विकर्ण क्या होगा, एक विकर्ण यानी एक चतुर्भुज है सम चतुर्भुज, तो परिमाप इतना है, सम चतुर्भुज का परिमाप क्या होता है 4a, और 4a का मान हमें 100 दिया है तो ये बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा 25, यानी ये 25 25 सभी के सभी भुजा 25 25 सेंटीमीटर का है। ओके, 25 25 सेंटीमीटर का है, इसका एक विकर्ण हमें जो दिया हुआ है वह 30 सेंटीमीटर दे दिया हुआ है, तो हमें दूसरी विकर्ण पूछना है, तो दूसरी विकर्ण जो होगी, तो यहाँ पर देखिए यहाँ जो मिलता है ये दोनों आपस में आधा आधा में बांट देता है, तो ये इधर 15 हो जाएगा तो ये भी इधर 15 हो जाएगा, तो हमें ये वाली विकर्ण दूसरी विकर्ण हमें से पूछा है। ओके, तो यहाँ पर हमेशा समचतुर्भुज में जो होता है यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनने का मतलब यहाँ पर अब समकोण त्रिभुज बन गया, तो 15 25 और यहाँ पर ट्रिपलेट अगर लगता है तो लगा सकते हैं, तो हमारे उम्मीद से 20 15 25 का ट्रिपलेट लग जाता है, हालांकि आप निकाल भी सकते हैं, ये वाला हमेशा कर्ण होगा, ये इन दोनों में से किसी को आधार या लंब मान सकते हैं, तो यहाँ पर अगर हम कहें कि ये समकोण त्रिभुज का लगा दें फॉर्मूला, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर लगा सकते हैं, है कि नहीं, तो कर्ण स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर 625
लम यानी 15 का स्क्वायर 225 प्लस इसको हम आधार को कुछ मान लेते हैं, एक्स एक्स मान लेते हैं, एक्स स्क्वायर इसको हम एक्स मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक एक्स मान लेते हैं। इसको 15 15 इसलिए किया क्योंकि पहला विकर्ण 30 दिया था, तो यहाँ से आधा इधर 15 आधा उधर 15 इसीलिए आधा कर दिया। तो इधर घटा दीजिए 625 में 225 को घटा दीजिए बराबर में एक्स स्क्वायर, यहाँ पर ये 400 घट कर आ जाएंगे एक्स स्क्वायर बराबर, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर 400, और रूट 400 का मान कितना आता है दोस्त 20। तो यहाँ एक्स का मान 20 आया तो इधर भी 20 होगा, तो 20 20 कितना हो जाएगा 40, दूसरा विकर्ण 40। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है दोस्त, हालांकि इसको तो मैं मन से ही कर देता, हालांकि कुछ लोगों को समझ में नहीं आता, तो इसलिए आप लोग थोड़ा आप लोग भी समझने का कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट देखिए इस प्रश्न को, देखिए बनेगा ये प्रश्न सभी से, लेकिन अगर थोड़ा सा चूक हुआ तो आपकी जो है कि गलती हो जाएगा, तो इसलिए ध्यान से देखिए। 100 व्यक्ति यहाँ पर लगा सकते हैं वो वाला MDH फार्मूला, MDH अपॉन W1 M2 D2 H2 अपॉन W2, ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर कितना M मतलब मेन 100 व्यक्ति है, D कितना 20 दिन में, घंटा वंटा का तो चक्कर है ही नहीं, लेकिन 16 दिन में करते हैं, हाँ टाइम भी दिया है, नहीं नहीं यहाँ टाइम तो दिया है, दिन दिया है, घंटा का नहीं दिया। ओके तो दूसरा आदमी वर्क जो काम कर रहा है यानी सेम वर्क, दोनों साइड सेम वर्क हो रहा है, तो इसलिए दोनों को बराबर कर देंगे, तो ये W खत्म हो जाएगा। तो इधर M2 पूछ रहा है कितना व्यक्ति लगेगा M2, और उसी कार्य को 16 दिन में करना है, ये इसी कार्य को 16 दिन में करना है, तो कितने अतिरिक्त व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ से अगर हम कटाएं तो 4 चौके 16 4 5 20, 4 गुना 4 से ये 25 बार में 25 25 125, यानी दूसरी बार जो लगेगी वह M2 यानी दूसरे 125 व्यक्ति। लेकिन यहाँ पर अगर आप 125 मारते हैं तो आपका गलत हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान से पढ़िए कितने अतिरिक्त व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। पहले 100 थी, अब लग रही 125, तो 25 व्यक्ति एक्स्ट्रा लग रहे हैं, 25 व्यक्ति अतिरिक्त आ रहे हैं, ना कि 125 125 व्यक्ति लगेंगे, लेकिन 100 तो पहले से ही थे ना, तो मात्र 25 व्यक्ति और एक्स्ट्रा लगना चाहिए। बात समझ रहे हैं, 16 दिन में करने के लिए, पहले 20 दिन में करते थे लेकिन अब 16 दिन में कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए इन पर आप 25 प्रश्न में कितने कर सकते हैं, 25 नहीं 24 प्रश्न हैं, उनमें से एक हमने साइंस का क्वेश्चन लिया है जिसको मैंने शॉर्ट वीडियो में डाला हुआ था, और बहुतों का आंसर गलत भी आया था, तो इसलिए उसको मैं लास्ट में कराऊंगा उसका आंसर। हालांकि आप देखिए इन 23 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन कर पाते हैं। दो बेलन की ऊंचाई का अनुपात इतना है, उनकी त्रिज्या का अनुपात इतना है, तो बेलन के आयतनों का अनुपात कितनी होगी। हालांकि आप इससे अगर तरीका जानते हैं तो बिना सूत्र वूत्र लगाए भी बना सकते हैं, लेकिन चलिए सीख लीजिए। ऊंचाई का अनुपात मान लेते हैं H1 और H2 जो दिया है 2 और 3, फिर दिया है R1 R2 कितना दिया है 6 अनुपात 5। ओके तो यहाँ पर ये चीज़ दिया हुआ है, उन दोनों बेलन के आयतनों का अनुपात, बेलन का आयतन क्या होता है दोस्त 1/3 πr² h, यही ना, तो दोनों को हम इक्वल करते हैं, इधर वाले का H1 वाले और R1 वाले का लेते हैं 1/3 πr² का स्क्वायर इंटू h इंटू H1। ओके इन दोनों का अनुपात निकालना है 1/3 πr² का स्क्वायर इंटू H2, यही ना, तो 1/3 π तो दोनों में है तो ये तो कट गया, बचा क्या R1 का स्क्वायर, R1 कितना है 6, और 6 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 36, H1 कितना है 2,
ओके, यहाँ पर दर अनुपात में देखिए आर टू कितना है, 5, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, एच टू कितना है 3, 3, ओके। तो यहाँ से ये कटाइए, देखिए इधर से ये 3 बार में 12 3 36 ने 12 बार में कट गया, 12 दूनी अब कटेगा क्या, नहीं कटेगा, 12 दूनी 24 और इधर 25, तो आ गया 24:25। तो ये आपका राइट आंसर है। हालांकि अगर आप सूत्र जानते होते तो मन ही मन तो आपको पता होनी चाहिए, ये तो कट जाएगा, बचेगा आर वन का स्क्वायर इंटू एच, यहाँ पर आर टू का स्क्वायर इंटू एच, मन से भी कर सकते थे माइंड कैलकुलेशन करके। नेक्स्ट, दो संख्याओं ए और 18 का लघुत्तम समापवर्तक 36 और लघुत्तम समापवर्तक 36 तथा महत्तम समापवर्तक 2 है, तो ये का मान क्या है, तो आप लोगों को तो पता होनी चाहिए फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर जो होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ है कि नहीं। तो फर्स्ट नंबर ए दिया है, सेकेंड नंबर 18 दिया है, एलसीएम आपका 36 है और एचसीएफ आपका 2 है, इसको कर दीजिए बराबर, आपका हिसाब किताब आ जाएगा 18 दूनी 36, तो ये बराबर कितना आ जाएगा 2 दूनी 4, ये आपका 4 राइट आंसर है। देखिए दोस्तों, हमें टाइम लेने की आदत नहीं है कि हम टाइम लेके आपको घुमाए फिराए 10 मिनट 5 मिनट उसी पे हम झूठों का फालतू बकवास करते रहें, वो चीज़ हमें आदत नहीं। डायरेक्ट जो आंसर आएगा जिस तरीके से बनेगा उस तरीके को मैं बताऊंगा, ये नहीं कि घुमा फिरा के ऐसे होगा ऐसे होगा, हालांकि बताएगा वही चीज़। मैंने बहुत सारे यूट्यूबरों को देखा है, एक निश्चित मूलधन पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में 31 रुपये का अंतर है, तो मूलधन क्या होगा। जब 3 वर्ष का हो और SCI SI का अंतर के बारे में पूछे तो यहाँ पे आप लोगों को एक फार्मूला लगाना है 3 वर्ष के अंतर के लिए, 3 वर्ष का अंतर जब रहे तो CISI का अंतर, CI-SI का जो फार्मूला बनेगा, अंतर का फार्मूला जो बनेगा PR² × 300 + R/100³, 100 का क्यूब, ये फार्मूला आप लगा सकते हैं। CISI का अंतर कितना दिया है 31 रुपये, पी हमें फाइंड करना है, मूलधन हमें फाइंड करनी है, आर हमें कितनी दी हुई 10%, यानी 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, 300 + R का मान यहाँ पर 10 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 310, नीचे में 100 का स्क्वायर करें क्यूब करेंगे तो 100 × 100, थोड़ा सा आप लोग समझिएगा, कुछ स्टेप को हमने ख़त्म कर देते हैं, उसको समझने का कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर एक 100 से 100 कट गया, एक 0 से एक 0 कट गया, तो ये 31 से ये 31 कट जाएगा एक बार में, तो अब क्या बचा 100 × 10 तो कितना हो जाएगा 1000, पी बराबर आपका 1000, यही है राइट आंसर। अगर 2 वर्ष का पूछता तो 2 वर्ष का भी मैंने फॉर्मूला बता देता, 2 वर्ष का होता है आपका CISI का जो अंतर होगा पी रेट परसेंट का रेट परसेंट, ये 2 वर्ष का अंतर होगा CI-SI, ये फार्मूला बनेगा ये 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, हालांकि 2 ही और 3 वर्ष के लिए ज़्यादातर पूछा जाता है। ओके, तो यहाँ से इससे 2 वर्ष का, अगर यहाँ पर 2 वर्ष दिया रहता है, यहाँ पर 2 वर्ष, तो ये फार्मूला आप लगा सकते थे और आसानी से निकल जाता आपका आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 2, 3, 5 से विभाज्य है, तो चलिए देखते हैं। 5 से विभाज्य होने के लिए अंतिम में या तो 5 होनी चाहिए या 0 होनी चाहिए, तो यहाँ पर ना तो 5 है ना 0 है इन दोनों में, तो ये दोनों ऑप्शन तो नहीं हो सकते, इसको भी ऑप्शन के थ्रू कीजिए तो आसान होगा, हालांकि दूसरा कोई इसमें रास्ता भी हमको नहीं दिख रहा है। चलिए रहा ये दोनों,
इन दोनों में तो जीरो है, हालांकि पाँच से ये दोनों विभाज्य होंगे और दो से भी होंगे, तीन से कोई एक ही ऑप्शन अनविभाज्य होंगे। तो तीन से विभाज्य होने का रूल है कि सबको जोड़कर तीन से भाग लग जाए तो समझिए कि पूरी संख्या में तीन से भाग लगेगा। जैसे यहाँ पर देखिए, 5 4 9 6 15, 7 22 7 22 7 29 7 29 6 35, 35 आ गया। 35 में तीन से भाग लगेगा क्या? नहीं लग सकता पूरी तरह से, तो ये भी नहीं होगा, तो ये आंसर होगा। इसमें देख लीजिए आप, 2 3 5 4 9 5 14 7 21 21 6 27, क्या 27 में तीन से भाग लगेंगे? बिल्कुल लगेंगे, पूरी तरह से कट जाएंगे नो टाइम में। तो ये इसलिए ये आंसर, ये ऑप्शन सी, इसमें रूल पता होनी चाहिए कि तीन से भाग लगने का रूल क्या है, 9 से भाग लगने का रूल क्या है, 7 से भाग लगने का रूल क्या है, 11 से भाग लगने का रूल क्या है। 11 से हालांकि हमने तो बता चुका था कुछ देर पहले ही इसी वीडियो में, और 5 से भाग लगने का मतलब अंतिम में 2 0 होनी चाहिए या तो 5 होनी चाहिए, तभी 5 से भाग लगेंगे। 2 से भाग लगने का मतलब कि अंतिम में सम संख्या हो जाए, तो पूरी संख्या में 2 से भाग लगेंगे। 3 से सभी को जोड़ के 3 से भाग दे दीजिए, तो फिर अगर 3 से पूरी तरह लग गया तो फिर आपका आंसर यानी 3 से भाग लग जाएगा। 9 से भाग लगने का है कि 9 सभी को जोड़ दीजिए और 9 से भाग लगा दीजिए, अगर पूरी तरह कट गया तो फिर 9 से भाग लग जाएगा। तो ये कुछ रूल हैं, आप लोग देख लीजिए, इस पर हमने वीडियो बना चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं जाकर। नेक्स्ट, चलिए ये नेक्स्ट, ये भी प्रश्न, ये कैलकुलेशन है, इसमें कुछ है ही नहीं, कर सकते हैं आप लोग। 180 का 26% का 5/4, इसमें सीधा सीधा गुना कर दीजिए आसानी से आ जाएगा। का मतलब का गुना ही होता है, 26% नीचे में 105/4, का मतलब गुना 5/4 गुना 144/24। यहाँ पे बोर्ड मास का रूल नहीं भी फॉलो कीजिएगा तो आराम से बनेगा, भागा 24, तो यहाँ 24 6 144 और 1 0 से 1 0 कट गया आसानी से 5 से 2 टाइम में, ओके 2 से 3 टाइम में, 2 से 2 4 से 2 यानी 4 जो है 2 से 2 बार में, ये भी 13 बार में, ये 9 बार में, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 13 9 17 से 117 गुना 3 कीजिए यानी 351, आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट, 52 तास की गड्डी से पत्ते निकाले जाने पर एक संख्या वाला कार्ड मिलने की प्रायिकता क्या होगी? आप लोग को पता है अगर तास खेले होंगे तो 52 पत्ती टोटल होता है, ओके, जिसमें संख्या वाला, जैसे एक एक वाला तो नहीं होता है, टीका हो जाता है एक वाला, नहीं तो टीका को नहीं लेना है, दो वाला, 2 3 5 2 3 4 5, इस तरह से टोटल 10 तक नंबर वाला होता है, टोटल 10 तक नंबर वाला यानी 9 कार्ड जो होता है नंबर वाला होता है, और 9 का दुगियों का, जैसे मान लेते दुगी होता है जो 2 का 2 नंबर वाला कार्ड है, तो वो भी 4 को होता है, 3 भी जो होता है वो भी 4 को होता है, 4 भी 4 को होता है, इस तरह से यानी 9 पत्ती जो है 4 4 को होता है, तो टोटल 9 चौके 36 पत्ती हो गया नंबर वाला यानी संख्या वाला, कितना पत्ती हो गया, 36 36 पत्ती, टोटल कितने में से, 52 में से, तो यहाँ पर इसको कीजिए 9 4 से तो दोनों कट जाएंगे, 9 चौक 36 और 13 चौके 52, 9/13, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। संख्या वाला पूछा था, संख्या वाला तो 9 ही पत्ती होता है दुंगी से लेकर दाहला तक, हमने कभी कदाल खेला है दोस्त, लेकिन उतना भी नहीं जितना खेलना चाहिए उतना नहीं, बस कभी कदाल कुछ लोग खेलते थे तो बगल में रहकर देखते थे, थोड़ा सीख भी गए थे, लेकिन फिर मैंने छोड़ दिए। तो आप लोग को भी हम कहेंगे अगर खेलते हैं तो छोड़ दीजिए, ये सब टाइम वेस्ट है। तो नेक्स्ट देखिए, 1 आदमी कैमरे
एक को 20% लाभ पर 7200 रुपये में बेचता है और एक अन्य कैमरे बी को 5% की हानि पर 9500 में बेचता है, तो कुल हानि या लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो दोनों का अगर क्रय मूल निकल जाए तो हम पता कर सकते हैं इसका ये विक्रय मूल्य है, यानी 20% लाभ पर बेचा है। मान लीजिए उसका क्रय मूल्य ए का जो सीपी होगा वह 100 है, 100 है, और बी का जो सीपी है इसका भी मान लेते हैं 100 है, 100 है, यानी सीपी कहने का मतलब क्रय मूल्य, इसका भी सीपी 100 है। इसने ए ने 20% लाभ पर बेचा, इस पर 120% लाभ कीजिएगा तो 120 हो जाएगा, ये एसपी हो जाएगा, क्या हो जाएगा एसपी, और इसी का मान दिया है 7200, हमें चाहिए 100 का मान, तो यहाँ से कटाइएगा तो ये कितना हो जाएगा 1 बराबर 60, तो 100 का मान कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 00 चिपका दीजिए, इधर भी 00, 6000, यानी 100 का मान 6000 हो जाएगा। ओके, फिर बी ने हानि पर बेचा है 5% हानि, यानी इसका सीपी 100 है, तो इसने ये जो इसका जो एसपी होगा वो 95 होगा, और 95 का ही मान दिया है 9500, 5% हानि का मतलब कितना है, 5% घटा दीजिए 100 में, 100 का 5% कितना, 5 ही, 100 में 5 गया तो कितना 95, और इसका ही मान दिया है 95, तो एक का मान कितना हो जाएगा 100, तो हमें चाहिए कितना 100 का मान, तो 100 का मान प्राप्त करने के लिए 20 चिपका दीजिए, तो यानी ये 10000 है 100 का मान। दोनों का हमने क्रय मूल्य निकाल लिया, तो दोनों का क्रय मूल्य जोड़कर देखेंगे तो कितना होगा 6000 और 10000, 16000, कुल सीपी कितना हो जाएगा ए और बी का 16000, और कुल एसपी कितना हो जाएगा, यानी विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा दोनों का, ये कुल सीपी है, कुल एसपी दोनों का कितना हो जाएगा, कुल एसपी यहाँ पर 9500 और 7200 दोनों को जोड़ दीजिए, 916 5 16700, 16700 दोनों को ऐड कीजिए, 9500 और 7200, यही दोनों तो बेचा है, तो कुल सीपी इतना, तो फायदा कितना का हो रहा है 700 का, यानी 16000 का सामान था, 16700 भी का है, टोटल दोनों से मिला के 700 का फायदा हो रहा है, कितना पर, 16000 पर, परसेंटेज के लिए 100 से गुना कर दीजिए, ये 20 20 खत्म, ये 10 10 खत्म। ओके, अब देखिए 16 चौके 64 लाभ हो रहा है, तो यहाँ पर 6 आ गया, ये गलत, हानि वाला दोनों ऑप्शन होगा नहीं, ये आ जाएगा आपका आंसर, तो यहाँ पर 4 पॉइंट कुछ आएगा 38, तो ज़रूरी नहीं है कि दोस्त पूरा सॉल्व करें, कभी कदाल ऑप्शन पर भी ध्यान मार लेना चाहिए, क्योंकि हानि वाला तो होगा नहीं, ये दोनों ऑप्शन तो पहले ही रिजेक्ट हो जाएगा, और रहा ये 6.5% लाभ, तो हम इसको भाग देंगे तो 16 चौके 64 तक जाएगा, 16 96 हो जाता है, इसलिए यहाँ 96 के आसपास तो है नहीं, 100 के आसपास तो है नहीं, 70 बटे 16 आया, तो इसलिए ये भाग दीजिएगा तो इतना आ जाएगा, आप भाग दे के भी देख सकते हैं उतना ही होगा। नेक्स्ट, सुमन की वर्तमान आयु वेंकट की वर्तमान आयु से दुगुनी है, चलिए दोनों का वर्तमान, यानी सुमन और एक वेंकट है जिनकी दोगुनी, वेंकट की वर्तमान आयु से दोगुनी, यानी इसका एक है तो इसका दोगुनी, 12 वर्ष बाद, वेंकट की आयु 21 वर्ष है, यानी 12 वर्ष बाद 21 है, तो वर्तमान कितना होना चाहिए, इसमें 12 घटा दीजिए तो कितना हो जाए 9, यानी इस एक का मान 9 है तो इस दो का मान कितना 18 है कि नहीं, ये 9 गुना है कि नहीं, ये तो ये भी 9 गुना कर दीजिए इसका, तो ये भी 18 हो जाएगा, तो ये तो आसान तरीका था, लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि नहीं इसको हम बेसिक से बनाएं, घिसे पिटे तरीके से बनाएं, तो फिर आपकी मर्जी, चलिए देखिए आपके घिसे पिटे तरीके से बनाते हैं, वो तरीका थोड़ा देखिए दोस्त, ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त हम घिसे पिटे तरीके से बनाएं, वो तरीका कभी दुखदाई भी हो सकता है, बात समझ रहे हैं ना, जैसे हम यहाँ पर करते हैं, सुमन की वर्तमान आयु एक्स है, मान लेते हैं सुमन की वर्तमान
आयो एक्स वर्ष है, वेंकट की वर्तमान आयु से दुगुनी, नहीं वेंकट की एक्स मान लेते हैं, वेंकट की वर्तमान आयु एक्स है, इसकी इससे डबल है यानी दो एक्स है, इसकी उम्र वर्तमान आयु एक्स मान लेते इसकी डबल, ठीक। तो 12 वर्ष बाद वेंकट की आयु 21 वर्ष होगी, यानी वर्तमान आयु इतनी है तो 12 वर्ष बाद क्या होगी, एक्स प्लस 12। तो यहाँ से ये 12 वर्ष बाद जो बोला है कि 21 वर्ष का है, तो यहाँ से एक्स बराबर कितनी आ जाएगी दोस्त, 9। बस एक्स की मान 9 निकल गई तो आप किसी का भी निकाल सकते हैं। सुमन की वर्तमान आयु कितनी है, 2x, 2 × 9 ये 18। तो क्या ये इसकी ज़रूरत थी क्या दोस्त, नहीं था। इसलिए हम कहते हैं ना, कुछ लोग कमेंट करते हैं थोड़ा बेसिक से बताइए, तो इसलिए इस तरह से हमें बताना पड़ जाता है, क्योंकि दोस्त सभी को देख के चलना पड़ेगा ना। नेक्स्ट देखिए, इस प्रश्न में है कुछ नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन। अगर एक बार में कैलकुलेशन आपका सही से हो गया तो आंसर आने से आपको कोई नहीं रोक सकता है, आंसर सही आंसर आने से। जैसे यहाँ पर देखिए, एक ए बराबर आपको दिया है यहाँ पर 18/9 × 4, और यहाँ पर नीचे में दिया है 15/3 × 5। चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं, फिर ए प्लस बी का मान देखेंगे क्या होगा। तो यहाँ से इसको भाग दीजिएगा तो 18 पहले भाग का काम होता है बर्ड मास के रूल के अनुसार, है कि नहीं। तो भाग 2 और गुना 4 कीजिएगा तो 8, और यहाँ पर 3 × 5 कीजिएगा, यानी 3 से भाग दीजिएगा 5 × 25, 5 × 5 = 25, तो 8/15 आया ए का मान। ओके, अब हम बी का मान को फाइंड कर लेते हैं। बी हमें कितनी दिया हुआ है, 18/36 × 3 + 5 × 1 − 6, 18/6 × 20 − 3 × 4 + 12। यहाँ पर बोर्ड मास लगाइए, पहले भाग का काम होगा तो इसको भाग दीजिएगा तो 1/2 × 3, ओके × 3 प्लस, इसको हमने भाग दे दिया तो यानी 18/36 आता, तो 1/2 आता कि नहीं आता, निश्चित आता है कि नहीं। प्लस 5 × 1 कीजिएगा, हालांकि नहीं हो कीजिएगा तो कर लीजिए, कर लीजिए तो आसान रहेगा, क्यों हम उस सब के झंझट में पड़े। 5 − 6 यहाँ पर 3 भागा दीजिएगा, 3 × 20 कीजिएगा तो 60 − 4 = 12 + 12, ये 12 12 तो ख़त्म ही हो जाएगा, 12 + 12। ओके, ये तो आपका क्या हो गया, कट गया। तो इधर एक स्टेप और नीचे लेते हैं, तो ये 3/2 + 5 − 6 जाएगा, तो -1 भी कर सकते हैं यहाँ पर। थोड़ा देर के लिए रूल भूल भी जाइएगा तो आसानी होगा कि हाँ बर्ड मास का रूल क्या है। तो 3/2 में 1 जाएगा तो ये 1/2 और नीचे 60, तो ये क्या बन जाएगा आपका 1/120। ध्यान से देखिएगा तो ये बी का मान इतना आ गया। तो हमसे पूछा है ए प्लस बी का मान, प्रश्न में हमसे पूछा है ए प्लस बी का मान क्या होगा। ए का मान हमने 8/25 फाइंड किया है, 8/25, और बी का मान हमने फाइंड किया 1/120। हमने कहा ना दोस्त कि अगर कैलकुलेशन आपका सही हो गया तो प्रश्न आसानी से बन जाएगा। तो इन दोनों कैल्शियम कितना हो जाएगा, 600। 600 को 25 से भाग दीजिएगा तो 25 × 8 = 200, 25 × 2 = 25 × 25 = 624, 24 × 8 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 24 × 8 कीजिएगा तो 192 प्लस 120 से 600 को भाग दीजिएगा तो 5 × 5 कीजिएगा तो 5, तो ये आपका आ जाएगा 197/600।
ये आपका राइट आंसर है क्या ऑप्शन में कहीं? हाँ है, तो ये आपका राइट आंसर है। देखिए थोड़ा सा पीडीएफ में, आज जो हमने पीडीएफ बनाया थोड़ा सा पीडीएफ की क्वालिटी लो हो गई है, इसलिए थोड़ा सा हो सकता है विजिबिलिटी कम हो, तो आप क्वालिटी बढ़ा कर देख लीजिएगा, थोड़ा सा आज भर मैनेज कीजिएगा इस वीडियो पर। बाकी बाद मैंने मैं अगले दिन से वीडियो यानी पीडीएफ को इम्प्रूव कर देंगे। दो संख्याओं का गुणनफल 432 है, इन संख्याओं का महत्तम समावर्तक 12 है, तो बड़ी संख्या क्या हो? दो संख्याओं का गुणनफल यानी दो संख्या है उनका गुणनफल इतना दिया है और महत्तम समावर्तक इतना दिया है, तो बड़ी संख्या क्या होगी? चलिए देखते हैं। इन दोनों का गुणनफल फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर का गुणनफल और एगो का एचसीएफ आपको हमने दे दिया है, तो बड़ी संख्या क्या होगी? बड़ी संख्या क्या होगी ये हमसे पूछ रही है। हालांकि यहाँ से हम एलसीएम फाइंड कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए इन दोनों संख्याओं का गुणनफल 432 और हमें महत्तम समावर्तक दे दिया है 12। ओके, तो एलसीएम यहाँ से हम निकाल सकते हैं एलसीएम, तो ये 12 से कटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 12 3 36 बच गया कितना? 7 बचा हुआ तो 36, कितना आ गया एलसीएम? 36। एलसीएम 36 है, एचसीएफ 12 है, तो क्या हम संख्या को फाइंड कर सकते हैं, बड़ी संख्या? चलिए देखते हैं कैसे हम लोग फाइंड इसको कर सकते हैं। इन दोनों को गुणा करेंगे, अगर मान लेते हैं कि बड़ी संख्या 36 ही है और छोटी संख्या 12 है, तो इन दोनों का गुणनफल कितना होगा? इतना आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। और इन दोनों का एचसीएफ क्या 12 हो सकती है? आसानी से हो सकती है, इसलिए इसकी बड़ी संख्या क्या होगी? 36 ही होगी। बड़ी संख्या क्या होगी? 36। अगर 96 मानते हैं बड़ी संख्या को, तो छोटी संख्या आपकी क्या होनी चाहिए? यहाँ से भाग दीजिएगा 96 से, तो यहाँ पर बड़ी इस तरह से एचसीएफ तो नहीं निकलेगा, एचसीएफ 12 तो नहीं निकलेगा, ये मेरी गारंटी है। इसलिए बड़ी संख्या को आपको 36 मानना पड़ेगा और 36 छोटी संख्याओं को 12, और इन दोनों का गुणनफल भी इतना आ जाएगा आसानी से, और इन दोनों का एचसीएफ भी आ जाएगा 12 आसानी से। बात समझ रहे हैं? आसानी से। और एलसीएम जो भी आए, एलसीएम तो 36 आएगा ही, इन दोनों का एलसीएम 36 तो आएगा ही आएगा, तो ये राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए आपका साइंस का क्वेश्चन है, बायोलॉजी का। बायोलॉजी का अगर आप श्वसन तंत्र सही से पढ़े हैं तभी तो ये क्वेश्चन को कर पाएंगे, अन्यथा आप नहीं कर पाएंगे दोस्त, पक्का गलती कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि मानव श्वसन तंत्र में निम्नलिखित अंगों को ऊपर से नीचे तक व्यवस्थित कीजिए, ऊपर से नीचों तक व्यवस्थित कीजिए। जैसे मान लीजिए हमारा यहाँ पर ये मुंह, ये नाक है, मान लेते हैं ये नाक है, यहाँ से ये मेरा गया नीचे नीचे, और ये जाकर हमारा यहाँ से ये फेफड़ा, और यहाँ पे ये हमारा डायफ्राम हो जाता है। थोड़ा समझने का कोशिश कीजिएगा, फिगर उतनी अब आसानी से नहीं बन पाती है क्योंकि दोस्त 10th में बहुत बनाया था, लेकिन अभी थोड़ा सा ये अलग हो गया। तो यहाँ पर समझिएगा बात को, आपका सबसे ऊपर में क्या है दोस्त? सबसे ऊपर में आपका कंठ नली, इस जगह पर क्या है? कंठ नली यानी स्वर यंत्र, यानी जिसको हम लैरिंग्स कहते हैं, जिसको हम लैरिंग्स कहते हैं, उसके नीचे फायरिंग्स होता है। लैरिंग्स उसके नीचे जो ये है, एक श्वास नली जाता है, एक श्वास नली, यहाँ पर आपका श्वास नली आ जाएगा, यानी श्वास नली कह सकते हैं, यहाँ पर श्वास नली आ जाएगा। फिर आपका ये फेफड़ा है, फेफड़ा फेफड़ा हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पे ये वाला जो है, ये डायफ्राम है, ये डायफ्राम आपका है। तो सबसे पहले क्या आया? आपका स्वर यंत्र आया, जिसको हम लैरिंग्स कहते हैं, यानी
स्वर बॉक्स भी कहते हैं इसे, साउंड बॉक्स भी कहते हैं। तो सबसे पहले चार नंबर वाला आएगा, उसके बाद श्वास नली तीन नंबर वाला, उसके बाद फेफड़ा, उसके बाद फेफड़ा, उसके बाद आपका डायफ्राम आ जाएगा। यानी पहले फेफड़ा, उसके बाद एक नंबर वाला, उसके बाद डायफ्राम। तो ये चार तीन एक दो, ये आपका राइट आंसर। ये हमने शॉर्ट वीडियो में डाला हुआ था और उसमें हमने देखा बहुत ने गलती मारा था, तो मैंने सोचा कि इसको इंक्लूड कर देते हैं इस वीडियो में, सबका आंसर भी पता चल जाएगा सबको कि इसका आंसर सही आंसर क्या है। हालांकि उसमें हमने कमेंट में भी आंसर दे दिया है, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो ये आपका रहा 24 क्वेश्चन, और 24 क्वेश्चन में आप लोग सही से बताइएगा कि आप लोग ने कितने क्वेश्चन कर पाए थे। अगर 24 में आप लोग 20 क्वेश्चन भी कर पाए थे तो बहुत अच्छा था आप लोगों के लिए। तो बताइएगा दोस्त, आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको मज़ा आया कि नहीं, ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और हो सके तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दिया कीजिएगा, जिससे आपके दोस्तों की भी भला हो जाएगी। तो जय हिंद दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।